हाँ भाई आ गए वापस। वेल हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज अजय हांडा बैक अगेन विद अनदर वीडियो। वेल जिस वीडियो के बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है गुड्डू भैया की बॉयज वर्सेस गर्ल्स के वीडियो के बारे में। तो बेसिकली इसमें मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ वीडियो के स्टार्ट में इसमें लिखा है बॉयज फाइट, मतलब लौंडे कैसे लड़ाई करते हैं और लौंडिया कैसे लड़ाई करती हैं उस बारे में बताया जाएगा। और काफी ऐसी सारी चीजें होंगी जो लौंडे कैसे करते हैं और लौंडिया कैसे करती हैं, जैसे लौंडे फाइट कैसे करते हैं, लौंडिया फाइट कैसे करती हैं, लौंडे खाना कैसे खाते हैं, लौंडिया खाना कैसे खाती हैं, लौंडे रेडी कैसे होते हैं, लौंडिया रेडी कैसे होते हैं, लौंडे फोटोज कैसे खिंचवाते हैं, लौंडिया फोटो कैसे खिंचवाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही कुछ होने वाला है। और इस वीडियो पे मैं रिएक्शन क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज गुड्डू भैया को मैंने सबसे पहले देखा था हर्ष बेनीवाल के चैनल पे, जब उसकी वीडियो आई थी हाईजैक्ड। उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला प्यार दिखाया है, मोर देन 1100 व्यूज एंड मोर देन लाइक 3 to 4,000 मिनट्स का वॉच टाइम। यू गाइस आर डैम क्रेजी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, अगर तुमने अभी तक नहीं देखी है तो मेक श्योर टू वॉच इट। एंड यस, गुड्डू भैया इज अ गाय जो काफी ब्रिलियंट एक्टिंग करता है। इसके मैंने 2-3 वीडियोस पहले देखे हुए हैं, तभी मैंने सोचा कि आई शुड रिएक्ट टू हिज चैनल, आई शुड रिएक्ट टू हिज वीडियो एज वेल। सो आज हम वही करने वाले हैं। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं और देखते हैं बॉयज वर्सेस गर्ल्स में गुड्डू भैया ने क्या धमाल मचाया है। इन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 लेट्स गो। भाई दारू पिए क्या? दारू चल पीते हैं, लेकिन पैसे तू देगा। और मैं क्यों दूंगा पैसे? क्यों होगा, मैं ही दूं हर बार। अबे साले भूल गया, 84 दिन पहले उस खोके पे जब तूने मुझसे 1 रुपया मांगा था सेंटर फ्रेश के लिए, तो वो 1 रुपया मैंने दिया था। हर बार 1 रुपए के लिए तू मुझसे 1200 की दारू ले रहा है। बट क्या हो गया, देने मैं कंगला है क्या? कंगला मैं? कंगला तू, तेरा बाप। बाप पे जाला लाई, बाप पे जाला लाई। टॉली बिंद्रा आ गई भाई। ओहो भाई, इलेवन मिनट्स लेटर भाई बहुत भाई। मारा। अरे यार मेरी जान, मैं पिलाता हूँ दारू क्योंकि लड़ाई अपनी जगह और भाईचारा अपनी जगह। चल कौन सा पीएगा भाई? ब्रीजा। हाँ ब्रीजा, मूठ पी ले मेरा। चल अब देखते हैं कि गर्ल्स लोग कैसे फाइट करते हैं। दिस इज हाउ वी बॉयज फाइट, यू नो। सब देखते हैं लड़कियां कैसे लड़ाई करती हैं। ओहो, आइटम, दाढ़ी वाली आइटम। ओ हेलो, ये मैं क्या देख रही हूँ? तूने मेरे बीए की फोटो लाइक करी है? रिलैक्स, इट्स जस्ट अ फोटो। नो, इट्स नॉट जस्ट अ फोटो, हाउ डेयर यू। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तुझे बता रही हूँ कि तूने कुछ भी करा ना मैं तेरी जान ले लूंगी। एक फोटो लाइक करने से वो मेरा पति नहीं बन जाएगा। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी ना। अब ये देख, मैं तुझे कर रही हूँ अपनी व्हाट्सएप से ब्लॉक, ये मैंने तुझे करा अपने स्नैपचैट से ब्लॉक, ये मैंने तुझे करा अपने इंस्टाग्राम से ब्लॉक, ये देख आखिरी बार देख ले, ये मैं तुझे करी अपनी जिंदगी से ब्लॉक। करम जली, आखिरी बार मेरा सरोजनी जाने की सोचियो भी मत, और अपनी गंदी शक्ल तो मुझे कभी मत दिखाइयो। हाँ, तू मुझे अपने साथ सरोजनी भी नहीं लेके जाएगी। तुझे क्या लगता है सिर्फ तू एक मेरी हौसले पर भी दोस्त है जिसके साथ मैं सरोजनी जाती हूँ? रुक अभी। हेलो पायल, क्या तू मेरे साथ सरोजनी चलेगी? नहीं यार, मैं तो नहीं आ पाऊंगी आज। कोई नहीं, मैं भी बिजी हूँ आज, जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो सविता, हेलो पूना, हेलो दुर्गावती, हेलो गजगामनी, हेलो चंद्रकला, क्या तू मेरे साथ सरोजनी चलेगी? हाँ चल चले। हाँ चलेगी चलेगी, ठीक है ठीक है ठीक है, आज शाम को चलेंगे सरोजनी। हाँ तुझे क्या लगा सिर्फ एक तू ही मेरी दोस्त है जिसके साथ मैं सरोजनी जाती हूँ? एक्सक्यूज मी, गुच्ची की चप्पल पहनती हूँ, गुच्ची की। तेरी औकात क्या है मेरे सामने? आई बड़ी औकात, हाउ डेयर यू। तू औकात की ढोस दिखाती है मुझे करम जली। तू गंदी है। ओ भाई एक नंबर। तू गंदी है। फेक निकाल दी। कटिया कटिया बॉयज पार्टी, लौंडे कैसे पार्टी करते हैं? और भाई पार्टी का क्या सीन है? पार्टी कैसी पार्टी, कौन सी पार्टी? यहाँ मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही, तुझे पार्टी की लगी हुई है। बस इतनी सी बात, एग्जाम पास है ना? एग्जाम पास, ये क्या है?
एग्जाम पास इंडिया की मोस्ट इंटेलिजेंट गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप है। यहाँ पे तुम SSC, CHSL, CGL और बैंकिंग जैसी सरकारी नौकरियों की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसका एक बहुत ही बढ़िया प्रमोशन लर्निंग मोड जहाँ पे प्रमोशन टॉपिक वाइज तैयारी कर सकते हैं और फिर ये एप्लीकेशन तुम्हें तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट इसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे करके बताएगी कि तुम्हें कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और तो और यहाँ पे 700 प्लस मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स पेपर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। मिल गए भाई पैसे, मिल गए अकाउंट में आ गए पैसे, टॉप मेंटर्स के साथ करा रहे अकाउंट में पैसे। बढ़िया, अब तो यहीं से प्रिपरेशन करूंगा। हाँ हाँ कर ले। और तुझे पता है इनका सबसे बढ़िया SSC लाइव बैच 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मेरे पढ़ने के एक दिन बाद। ओके भाई अभी करता हूँ। और एक और कमाल की बात बताऊँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लड़कियों ने गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली इस एप्लीकेशन की मदद से। अब वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अगली स्लाइड गर्ल्स पार्टी या चलने की बात चलते हैं भाई। बॉयज पार्टी में तो कुछ दिखाया नहीं बाहर जाने को, तो फिर यहीं पे कुछ खा लेते हैं ना घर पे मंगा के बाहर से। नाइस आइडिया, क्या मंगाए? चिली पोटैटो खाएं? चिली पोटैटो नहीं यार, मेरा ना BF मना करता है। मोमोस खाएं? हाँ, ग्रेवी वाले ना। नहीं यार, मेरा ना BF मना करता है ग्रेवी वाले मोमोस के लिए। तुम ग्रेवी वाले खाती हो, फिर सुबह ग्रेवी निकलती है, बहुत दिक्कत होती है। मैगी खाएं? हाँ नाइस आइडिया, मैगी बना सकते हैं। यार मजा आ गया मैगी खा के, मैंने तो 7,000 फोटोज लिए हैं। 7,000? मैंने 14,00,000 लिए फोटोज, मैं सारी सोशल मीडिया पे डालूंगी। 14,00,000? ओ माय गॉड यार, अब क्या करें? डांस करें? हाँ मैं भी ये सोच रही थी डांस करते हैं। Boys getting ready. हेलो। अबे कहाँ पे यार, कब से वेट कर रहा हूँ मैं, पहुँच गया, जल्दी आ यार। पहुँच गया क्या? आ रहा हूँ। मैं आज चैन से सोने भी नहीं देते। क्या ही रेडी हुआ भाई, रेडी बॉयज लौंडे रेडी हो चुके हैं, बस बिस्तर से उठ के घर से निकलना है। हो गया, सुबह सारा टाइम बच गया, ब्रश करने की तो जरूरत है नहीं। ये मिंट खा लेता हूँ, स्मेल भी नहीं आएगी। अरे मादर जात है भाई ये, बाल भी सेट हो गए। रेडी गर्ल्स गेटिंग रेडी भाई। यार क्या ऑपोजिट, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, ये पहनूं क्या? नहीं, इसमें तो मैं बहुत गोरी लगती हूँ, इसमें मैं बहुत काली लगती हूँ, इसमें मैं ज़ेब्रा की बच्ची लगती हूँ, इसमें मैं गैंड की बच्ची लगती हूँ, क्या पहनूं? गैंड की बच्ची। एक काम करती हूँ, ये पहन लेती हूँ, ज़ेब्रा की बच्ची लगूंगी चल जाएगा। इसको पहन लेती हूँ और एक मिनट, हाँ मेरे तो अपर लिप्स आ रखी है। एक काम करती हूँ पहले इनको हटाती हूँ। Boys group study. 10 चैप्टर है, हमें किसी भी तरह कल सुबह तक की सारी तैयारी करनी, क्योंकि कल हमारा एग्जाम है और हमें उसमें पास होना है। सही में यार पास होना जरूरी है, क्योंकि हम इतने बड़े हो चुके हैं ऊंट जैसे, अभी भी सिक्स क्लास में है, है ना, दिक्कत तो होती है यार। एक काम करें, तू पढ़ ले, मुझे हिंदी में समझा दे। प्लीज यार कर लेना ऐसा। ये तेरे नौको थोड़ी बैठा हूँ मैं, खुद ही पढ़ना, ऐसे थोड़ी अकेले अकेले पढ़ूंगा मैं। पढ़ रहा हूँ। दिस इज कम्प्लीटली रिलेटेबल। ये मेरे साथ हो चुका है ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, जब मैं दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ाई करता था तो मेरे दोस्त लोग भी ऐसे लगे रहते थे, और बीच में से एक हराम ज्यादा उठता था जो फोन लेके बैठा रहता था, बोलता था कि अरे भाई 10 मिनट में पढ़ता हूँ, 15 मिनट में पढ़ता हूँ, और फोन पे स्क्रॉल करता रहता था, आइटम लोगों से चैटिंग करता रहता था, और बीच में फिर हमें पता नहीं क्या हो जाता था, हम भी उसके साथ उसी के फोन में लग जाते थे, चैटिंग नहीं करते थे लेकिन हम वीडियो जरूर देखते थे उसके फोन में, काफी मजा आता था। पुराने दिन, कॉलेज खत्म हो चुका है लेकिन यार यादें नहीं गई अभी तक, काफी रिलेटेबल था ये चीज। अगर तुम्हें भी लग रहा है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो अगर तुम्हें भी ये चीज रिलेटेबल लगी है तो। अबे ओए
चार घंटे बचे पढ़ ले चुपचाप से। काफी रिलेटेबल है भाई चीज। मैं कुछ बनसा नहीं लग रहा। मैं गुड्डू भैया की वीडियो देख ले। यही देखने में जाता भी क्या। आराम है भाई। क्या है नाचने दे ना भाई। सुबह के 5 बज गए। 5 बज गए। एक काम करते हैं मेरे पास एक प्लान है। अभी भी हम हारे नहीं है। 5 बज रहे हैं, 5 से 7 बजे तक सो जाते हैं, ठीक है। 7 बजे उठेंगे, एग्जाम हमारा 10 बजे है। 7 बजे से 10 बजे तक अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि क्या होगा दिमाग में जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा और तुरंत स्कूल चले जाएंगे, सब पेपर में लिखेंगे और सो जाते हैं। गर्ल्स ग्रुप यार सुन, हमारे ना एग्जाम आने में सिर्फ 11 महीने बचे हैं। इतना कम टाइम, मैं कह रही हूँ अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं, है ना। चला जाओ पढ़ लेते हैं। एक्टिंग देखने लायक है। चाट लिया भाई, सब चाट लिया भाई। चाट नहीं देना मुझे, सब चाट जाऊंगी, सब याद कर लूंगी मैं। ये भी चाट जा। कर्तव्य कर्म को करण से प्रदान के लिए, कर्तव्य कर्म को करण से प्रदान के लिए, कर्तव्य कर्म को करण से प्रदान के लिए। तुम लोग उसको मत चलते हुए देखो। ओ भाई क्या सही पॉज किया मैंने, उसके हेयर स्टाइल क्या सेट लग रही है। खैर मुझे उसका वॉक बहुत पसंद आया, मैं वापस एक बार वॉक देखूंगा, स्पेशली फॉर द वॉक। कर्ता ने कर्म को करण से प्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से प्रदान के लिए अलग, कर्ता ने कर्म को करण से प्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से प्रदान के लिए अलग। दिमाग खराब है, मुझे पढ़ने के लिए दे रही है, तू पागल हो गई क्या। सॉरी यार सॉरी, वो मैंने भावनाओं में बह गई थी। हाँ जी सॉरी। क्रेजी भाई क्रेजी, बहुत क्रेजी। यार तू पागल है क्या, तू बिल्कुल भी सीरियस ही नहीं है पढ़ाई को लेके, तेरे में कोई एटिकेट ही नहीं है। यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं, ग्रुप स्टडी हो रही है, तेरे फोन की टू चल रही है, व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस। तेरे जब कम नंबर आएंगे ना सिर्फ 99, तो फिर तू रोइयो बैठ के, तेरे को तेरा फेवरेट कॉलेज नहीं मिलेगा कोई भी। हाँ नहीं तो This is completely opposite to boys group studies. Like boys से completely उठता है, फोन उठा लिया तो सब घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तूने फोन उठा लिया, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरी मजाल कैसे हो गई, तूने को जब देखो टू लगी रहती है, तू पढ़ाई में कोई ध्यान ही नहीं लगता, कोई एटिकेट है कि नहीं। अरे भैया क्या ही चल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग। जहाँ मेरे से तू पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ दिमाग में टिक ही नहीं रहा, क्या करूं। पागल की बच्ची, तेरा दिमाग खराब है कि उल्टी खोपड़ी है, क्या कर रही है तू। अरे यार मेरे ना दिमाग में कुछ टिक ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं ऐसे सीधा होके पढ़ रही थी, ग्रेविटी की वजह से जो भी मैं पढ़ रही थी ना वो नीचे जा रहा था। अब मैं क्या कर रही हूँ, उल्टा होके पढ़ रही हूँ, तो ग्रेविटी की वजह से जो मेरे दिमाग में बात है वो दिमाग में रह रही है और मुझे सब याद हो रहा है। पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, ओए हो रहा ना यादव। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गुड्डू भैया। ओ भैया भैया ने हक दिया। खैर काफी इंटरेस्टिंग था वीडियो, मुझे वीडियो देख के काफी मजा आया। और एज आई सेड गुड्डू भैया का मैंने फर्स्ट टाइम चैनल देखा था हर्ष बेनीवाल केस पे, मैंने फर्स्ट टाइम गुड्डू भैया को देखा था, नॉट चैनल देखा था। तो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, काफ़ी अच्छी एक्टिंग करता है, काफ़ी फनी कॉन्सेप्ट और काफ़ी फनी वीडियोज लेके आता है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू हिज चैनल, वॉच हिज वीडियोज एंड लेट यू नो हेल्प हिम ग्रो, एज यू नो यू आर हेल्पिंग मी ग्रोइंग माई चैनल, हेल्प हिम ग्रो एज वेल। उन्होंने अपने बना रखे हैं 2 लाख 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स, हमें भी बनाने हैं, 2000 भी नहीं पहुँचे हम, ठीक है। तो कोशिश करो सब्सक्राइब करो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो का लिंक ओरिजिनल इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और बाकी पसंद आया तो बताओ, और बाकी इस वीडियो का तुम्हारा प्राइवेट पार्ट इस वीडियो का तुम्हें सबसे बेस्ट पार्ट जो भी लगाओ
प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो, मुझे जरूर बताना। मेरा एक था इसमें फेवरेट पार्ट, जिसमें वो बोलता है कि ये खाने चले, वो खाने चले, ये खाने चले, नहीं यार मेरा बॉयफ्रेंड मना करता है, वो मेरा फेवरेट पार्ट था और काफी कुछ रिलेटेबल था इस वीडियो में। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट जरूर करना यार। एंड कीप अप्रिशिएटिंग द वर्क, कीप मोटिवेटिंग ऑल द यूट्यूबर्स लाइक अस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।